हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ शहजाद आलम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में दूरी और विस्थापन के बारे में अच्छे से जाना, ठीक है, कि दूरी और विस्थापन के बीच में क्या संबंध होता है और इनके बीच में क्या अंतर होता है और इनसे रिलेटेड क्या था, सारा क्वेश्चन हमने किया। और निर्देश बिंदु के बारे में हमने जाना, निर्देश बिंदु या जिसको हम लोग निर्देश बिंदु ही हमारा क्या होता है, मूल बिंदु, ठीक है। कोई भी चीज़ की शुरुआत वो कहाँ से होती है, मूल बिंदु। मूल बिंदु कहाँ होता है, 0.0। यानी ऐसा कहा भी जाता है किसी भी कोई भी शुरुआत हो कहाँ से करनी चाहिए, ज़ीरो से, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बात करेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, हमारे बुक में हेडिंग पड़ी हुई है क्या, एक समान गति और असमान गति। एक समान, भाई वर्ड से ही ये समझ में आ रहा है कि क्या होगा, गति एक समान होगी, लेकिन अब कैसे हम इसको क्या है एक एग्जांपल के तहत समझते हैं, ठीक है। मान लिया कि ये कोई रास्ता है, इसको हमने ये डिवाइड कर दिया, यहाँ 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, और ये हमारा क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु, यानी कि 0 से स्टार्ट करता है। 1 सेकेंड यहाँ तक, यहाँ भी 1 सेकेंड लगेगा, यहाँ भी 1 सेकेंड लगेगा, और यहाँ भी क्या लगेगा, 1 सेकेंड। तो इस डायग्राम से हमको ये समझ में आता है कि हर 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में जो ये ऑब्जेक्ट है कितना दूरी तय कर रहा है, 5 मीटर, हर 1 सेकेंड में, हर यानी कि हर समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में समान दूरी, हर 1 सेकेंड में कितना, 5 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर तय करने की गति क्या होती है, एक समान गति होती है। और असमान गति, भाई असमान गति मान लिया कि कोई गाड़ी है वो क्या है, ट्रैफिक में फंसी हुई है, तो क्या होता है भाई, गाड़ी की स्पीड क्या होती, कभी ज़्यादा और कभी क्या होती है, स्लो हो जाती है, या कभी गाड़ी रुक जाती है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, असमान गति। ये जो समान गति होता है, वैसे ये रियल लाइफ में नहीं पाया जाएगा, जनरली ये नहीं पाया जाता हमारे ये प्रैक्टिकल लाइफ में, नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ देखो हमारे बुक में क्या एक सारणी दी हुई है, सारणी में समझाया गया है अच्छे से, ठीक है। देखो सारणी में क्या दिया हुआ है कि समय दिया हुआ है कितना, 9:30, 9:30, 9:45, 10, यानी हर 15 मिनट का क्या है, समय अंतराल है, हर 15 मिनट का क्या है, डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पास वस्तु ए के द्वारा तय की दूरी, यानी कि 9:30 पे उसकी दूरी कितनी है, 10 मीटर, फिर अगले 15 मिनट में उसकी दूरी कितनी बढ़ी, 10, फिर अगले 9:45 से 10 हुआ, यानी कि 15 मिनट में फिर क्या हुआ, 10 बढ़ गई, यानी हर बार कितने का इंक्रीज हो रहा है, 10 का। तो ये कैसे हो गई हमारी, ये जो डिस्टेंस है, ये है जो डिस्टेंस है हमारी, कैसी हो गई, समान गति, क्योंकि हर 15 मिनट में वो कितना, 10 मीटर तय कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक समान गति। अब अगला देखो भाई, ये कह रहा है 9:30 पे अभी कितना, 12 मीटर चला है, 15 मिनट बाद वो कितना चला, 15 मिनट में क्या, 7 मीटर का डिफरेंस आया, फिर अगले 15 मिनट में कितना आया भाई, 4 का, फिर इसी तरह करके, मतलब क्योंकि ये डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, असमान गति हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड, सबको समझ में आया होगा। देखिए अब हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है, चाल, ठीक है। चाल, चाल क्या होता है, सबसे पहले वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल क्या होता है, स्पीड, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पास हमको जानना होगा, जो चाल होता है, चाल में क्या होता है, दिशा नहीं होती है। हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, चाल और वेग पढ़ते हैं, ठीक है। चाल में और वेग में यही एक अंतर है, क्या, दिशा नहीं होती है इसमें, बाकी सब क्या होता है, सेम होता है।
वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। चाल का देखो मात्रक क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकेंड, याद होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, जो ये मीटर प्रति सेकंड होता है, ये हमारा एसआई मात्रक है। इसको डिब्बा में बंद कर लो, अच्छे से याद करना है। ये हमारा कैसा मात्रक होता है? एसआई। बाकी हम लोग जो प्रैक्टिकली देखते हैं, हम लोग तो देखते हैं गाड़ी की स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर में देखते हैं, या सेंटीमीटर पर सेकंड कोई किसी चीज़ की स्पीड देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये मीटर प्रति सेकंड है, ये एसआई यूनिट। तो हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड ही मान के चलना होगा हर जगह। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हमको उसको क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बात देखो, नीचे चाल का फार्मूला दिया हुआ है, इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना है। यदि कोई वस्तु टी समय में एस दूरी तय करता है, यानी एस क्या है भाई, एस क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पास एस क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है या समय है, ठीक है। डिस्टेंस मीन्स क्या हुआ, दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, बहुत आगे तक काम आएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत आगे तक ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। और चाल का मात्रक तो हम लोगों को पता ही है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वैसे भी देख लो भाई, दूरी को हम लोग किस में देखते हैं, मीटर में, बटे समय को किस में देखा जाएगा। और जो समय का एसआई यूनिट होता है, वो क्या होता है, सेकंड। हम लोग समय को घंटा में दिया हो या मिनट में दिया हो, तो हम लोग को घंटे या मिनट में नहीं रखना है, समय को हम लोग क्या रखेंगे, सेकेंड में। तो सेकेंड, तो यहाँ से समझ में आ रहा है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। समझ में आया होगा सबको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पास चाल के बाद आता है औसत चाल। देखो औसत चाल की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, तो यहाँ पास देखो अंतर पहले समझ लो, चाल और औसत चाल में क्या है। देखो चाल जो है, चाल खाली वो एक सिंगल डिस्टेंस के लिए है। एक मान लिया, एक फिक्स दूरी दे दी है, ठीक है, एक सिंगल डिस्टेंस के लिए। उसने क्या क्या है, एक टी टाइम में मान लिया कि वो कहाँ जाता है, यहाँ ए से कहाँ जाता है, बी। मान लिया कि 100 किलोमीटर है, उसको पहुँचने में कितना लगता है, 6 घंटा मान लिया। तो ये हमारा यहाँ पास, हम लोग यहाँ पास क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे, क्योंकि एक ही टाइम में वो क्या गया, इतनी दूरी चल रहा है। लेकिन औसत चाल की ज़रूरत क्यों पड़ी, औसत चाल की ज़रूरत ये ऐसे क्यों पड़ी, क्योंकि भाई मान लिया कि एक कार है, वो यहाँ से स्टार्ट करती है चलना, आगे तरफ बढ़ती है, मान लिया वो यहाँ तक जब पहुँचती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया कि 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, तब इसको लगते हैं 30 मिनट, फिर अगली 60 किलोमीटर की दूरी, अगली 60 किलोमीटर की दूरी वो क्या है, 20 मिनट में तय कर लेता है। मान लिया भाई 20 मिनट में उसने तय कर लिया। तो यहाँ पास क्या हुआ, हमको दो अलग अलग टाइम इंटरवल मिल रहे हैं, दो अलग अलग टाइम मिल रहा है, ठीक है। यह डिस्टेंस क्या है, अलग भी हो सकती है। तो ये हमको यहाँ पास क्या करना होता है, पूरा एवरेज निकालना होता है, यानी कि औसत निकालना होता है। तो औसत चाल का एकदम सीधा सा फार्मूला है, याद करना है आपको, डिब्बा बना के, क्या, तय की गई कुल दूरी अपॉन में कुल समय अवधि, यानी कि तय की गई कुल दूरी, यानी कि जहाँ से शुरुआत किया है और जहाँ ख़त्म कर रहा है, वहाँ, यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमारी औसत चाल क्या होगी भाई, औसत चाल क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी कितना है, 60 प्लस 60 अपॉन में समय, कुल समय विधि, कितना समय लगा, 50। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पास 60 प्लस 60 क्या, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, और ये क्या है, मिनट में, मिनट है। अब इसको क्या आप घंटे में चेंज कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन आ गया भाई, यही औसत चाल से। देखो क्या कह रहा है कि
एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। मतलब समझो, यहाँ पास कोई वस्तु है, मान लिया कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी को ऐसे चलना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितना है, 16 मीटर है। वो कह रहा है कि 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 में 4 सेकंड में तय किया। फिर कह रहा तथा पुनः, 16 मीटर की जब दूरी तय कर लेता है उसके पश्चात क्या करता है कि 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में वो तय करता है। तो औसत चाल क्या होगा भाई? औसत चाल का तुम लोगों को अच्छे से फार्मूला याद ही है, क्या है? तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी यानी कि हम शुरुआत का देखेंगे और लास्ट का देखेंगे, तो तय की गई कुल दूरी कितना है, 16 प्लस 16 मीटर, ठीक है, अपॉन में कितना टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, 4 2 6, 4 प्लस 2, यहाँ क्या है सेकंड में टाइम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 32/6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या होगा, उत्तर आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सबको। अब देखो, अभी तक तो हमने चाल पढ़ लिया है। चाल क्या होता है भाई? चाल तो हमने सबको बताया कि चाल में क्या होती है, दिशा नहीं होती है, लेकिन अगर चाल में दिशा को जोड़ दिया जाए, दिशा के साथ चाल, दिशा के साथ चाल यानी स्पीड विद डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। मतलब देखो, चाल क्या है, मान लिया यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कहीं भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हमें क्या देखना है कि ये कितनी की स्पीड से जा रहा है, 5 की जा रहा है, 4 की जा रहा है, 3 की जा रहा है, 2 की जा रहा है, ये तो हमारा खाली क्या हो गया, चाल हो गया। लेकिन अगर इसी में, इसी चाल में ये बता दे कि 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ, या बता दे कि दक्षिण से कितने डिग्री एंगल पर, या नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ, मतलब कहीं भी बता दे, डायरेक्शन दिशा भी बता दे साथ में, तो वो हमारा क्या होता है, वेग। तो चाल और वेग में जो सबसे मेन डिफरेंस वो क्या है पता है सबको, कि यही है, वेग के पास क्या होता है, दिशा, सबसे मेन अंतर यह है, वेग के पास क्या होता है, दिशा होता है, जबकि चाल के पास क्या होती है, दिशा नहीं होती है। जैसे कि हम लोग पढ़ के आए पीछे दूरी और विस्थापन में, दूरी के पास क्या होता है, दिशा नहीं होती है, और विस्थापन में क्या होता है, दिशा होता है ना। और भाई वेग का देखो, वेग का सीधा सा फार्मूला होता है, विस्थापन बटे कुल समय। जैसे हम लोग चाल का फार्मूला क्या पढ़ के आए थे भाई, चाल बराबर क्या पढ़ के आए हैं, दूरी बटे समय, ठीक है, इसी तरह यहाँ पास क्या है, वेग बराबर विस्थापन बटे कुल समय। जैसा कि और आगे हम लोग देखते हैं, देखो आगे देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग इसको, ठीक है, वेग इतना ही पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, दिशा के साथ चाल हो गया। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे कुल समय। से हमारे एनसीईआरटी के बीच में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चंस कहीं भी हो, चाहे वो उदाहरण के हों या बीच में दिए हो, हमको कहीं भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उदाहरण भी हमको क्या है, बिना देखे सॉल्व करना है। पहली बात तो हमको क्या है, जब सारा कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हमको सब सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता तो भाई, और हम लोग क्या यहाँ कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल
को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। मान लिया यहाँ हमारी क्या है, पृथ्वी है, यहाँ हमारी क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ क्या है भाई, अंतरिक्ष यान है, ठीक है, यहाँ अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान से क्या है, पृथ्वी पर सिग्नल आना है, और इस सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट का टाइम लगता है, यानी टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 मिनट। तो यहाँ पर पूछा है कि पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़ते हैं भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पास देखो चाल, अब यहाँ देखो जो ये आ रहा है सिग्नल, आ रहा है सिग्नल जो आता है वो क्या आता है, जो सनलाइट की स्पीड होती है, सबको सूर्य के प्रकाश की चाल पता है, सूर्य के प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड, इसको सब लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो ये चाल है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, सिग्नल होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग जो चाल रखेंगे वो ये वाली रखेंगे, 3 × 10^8 बराबर, इसको मिटा देते हैं, सब लोग नोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो अब यहां बस हमको चाल पता है कितना है, 3 × 10^8 बराबर दूरी समय, हमको अब यहाँ पर समय क्या रखना है, 5 मिनट, तो 5 मिनट रखेंगे कि सेकंड में रखेंगे। तो हमने जैसा कि पहले ही बताया है कि कोई भी टाइम हो, मिनट हो या घंटा हो, हमको उसको क्या करना है, सेकंड में रखना है। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे भाई, 300 सेकंड, 5 मिनट में इक्वल टू 300 सेकंड, तो यहाँ क्या किया, 300 सेकंड रख दिया। तब दूरी अब क्या करेंगे, इस 300 को इसमें गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे तो हम लोग क्या, 3 × 10^8 बराबर दूरी बटे, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10^2, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो उधर हमारा दूरी क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा 3 × 10^10, सॉरी 9 × 10^10, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। तो पहले क्या करते हैं, हम एक 90 मीटर का तालाब बना लेते हैं, ये तालाब की लंबाई कितनी है, 90 मीटर है। यहाँ क्या है, उषा खड़ी है, उषा को तैरना है, यहाँ से तैरना कैसे है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगी 90 मीटर, ये दीवार को छू के फिर क्या होगा, यहाँ पास से ऐसे 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 वापस आ जाएगी, यानी ये इसका क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, ये प्रारंभिक स्थिति होगी, और ये क्या होगी, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, ठीक है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी, यानी यहां से यहां तक गई कितना हुआ 90, फिर वापस आई 90, 90 कितना, 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है,
तो ऊषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। तो भाई औसत चाल क्या होता है? औसत चाल का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। समय यहाँ पास कितना लग रहा है? 1 मिनट। क्या हम लोग मिनट में रखेंगे इसको? नहीं, सेकेंड में बनाओ। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। सबको पता है ना? तो इसको क्या रखेंगे? समय। तो कुल दूरी कितनी हो रही है? 180 मीटर। देखो सबसे पहले हम लोग ये मात्रक जो लिखते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? मात्रक लिखना नहीं भूलना है किसी को। और कितना टाइम? 60 सेकेंड। इसको कैंसिल किया, कितना आया? 3। तो औसत चाल हमारी क्या हो गई भाई? 3 मीटर प्रति सेकेंड। 3 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारी क्या हो गई? औसत चाल। अच्छा अब आगे क्या पूछा? औसत वेग। हम औसत चाल तो कर लिए, अब आगे क्या पूछा है? औसत वेग। औसत वेग का भी तुम लोगों को क्या है? फार्मूला पता है। क्या होता है? विस्थापन बटे कुल समय। अब भाई बताओ विस्थापन क्या होगा यहाँ पास? अब कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट की है, विस्थापन का हम लोग क्या बताए थे कि अंतिम स्थिति माइनस का प्रारंभिक स्थिति, और जब दोनों क्या है? सेम है, अंतिम स्थिति भी सेम है और प्रारंभिक भी, तो हमारा विस्थापन क्या हुआ? 0। और समय कितना लग रहा है? 60 सेकेंड। अब 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो औसत वेग क्या होगा हमारा यहाँ पास? 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो भाई क्या कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर यानी कि इसको कहा जाता है त्वरण। यानी त्वरण की परिभाषा बस तुम इतने से ही दे सकते हो। त्वरण क्या होता है? वेग में होने वाली परिवर्तन की दर जो होती है वही क्या होती है? त्वरण। त्वरण का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है? वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। जैसे दर, दर यहाँ पर दर क्या है? जैसे हम किसी भी चीज़ को दर बताने के लिए क्या करते हैं? हम लोग उसको समय से डिवाइड कर देते हैं। यानी जैसे कि कोई मजदूर है, वो उसका जो काम करने का रेट है या काम करने का दर है, वो कितना? 8, मतलब मान लिया कि 10 ड्रम वो पानी भरता है 1 घंटे में। 1 घंटे में तो ये उसका क्या हो गया? दर हो गया है। यानी कि वो हर 1 घंटे में कितना? 10 ड्रम पानी भरेगा, या कोई भी काम हो करवा सकते हो, ठीक है? तो ये क्या होता है? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन अपॉन में लिया गया समय। यानी कि कितने समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ है। मान लिया कि शुरू की स्पीड कुछ होती है भाई, फिर थोड़ी देर बाद स्पीड क्या होती है? कुछ होती है, फिर स्पीड क्या होगी? बदल सकती है। तो यहाँ पास क्या होता है? स्पीड जो बदलती है, या तो स्पीड क्या होता है? बढ़ती है। गाड़ी में जो लगा हुआ होता है एक्सेलरेटर, क्योंकि त्वरण को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर त्वरण। गाड़ी में क्या लगा होता है? एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर को जब हम लोग लेते हैं तो वो क्या होता है भाई? गाड़ी की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। जब हम लोग एक्सेलरेटर लेते हैं तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और जब डाउन करते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो त्वरण का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो या क्या करेगा? वेग की गति को, वेग को बढ़ा देगा या वेग को घटा देगा, ठीक है? बस एकदम सीधा सा मतलब ये समझना है, ठीक है? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक को याद रखना है, ठीक है? देखो जैसे यहाँ पास दिया हुआ है, यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u से t समय में, इसको में बना लेना, ठीक है? बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा? मान लिया कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है।
यानी यू से इसको क्या किया, फेंक दिया है। आगे गई, जब यहाँ मान लिया टी टाइम बाद वो वस्तु यहाँ पहुँचती है, तब उसकी स्पीड माना क्या है, वी हो गई है। पहले स्पीड क्या थी, यू। यू को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और वी हमारा क्या होता है, अंतिम वेग। ठीक है, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन। यानी वेग क्या होगा, और जहां कहीं भी हम लोग को किसी भी चीज का परिवर्तन निकालना हो या अंतर निकालना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ पास देखो क्या किया है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। जब टी लगा देते हैं तो क्या है, ये हमारा क्या है, वेग परिवर्तन। और वेग परिवर्तन को क्या किया है, समय से डिवाइड कर दिया है। तो यानी कि क्या हो गया, वेग परिवर्तन की दर, जो कि क्या होती है, त्वरण के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। देखो त्वरण के बारे में यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, ज़रूरी बातें हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना। पहली बात तो देखो, एक लाइन ये लिखो, एक समान गति में वेग क्या होता है, नियत रहता है। एक समान गति मतलब क्या होगा, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया 10 मीटर प्रति सेकंड से, कुछ दूरी वो चला, मान लिया कि 10 सेकंड चलता है, अभी भी उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। यानी शुरुआत में भी जो 10 मीटर, शुरुआत की जो स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, वही क्या है, अंतिम स्पीड भी है। तो वहाँ पास त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तुम लोग निकाल भी सकते हो, देखो जैसे कि हम लोग त्वरण का फार्मूला क्या पढ़ते हैं, ए बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना है यहाँ पास, 10, और माइनस का हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग, वो भी कितना है, 10, बटे समय, समय कितना है, 10। तो यहाँ पास क्या आया, 10 में 10 गए 0 बटे 10, यानी कि 0। तो त्वरण क्या है, अभी शून्य है। ठीक है, अब अगली लाइन देखो क्या लिखा है, यदि गति असमान होती है तो त्वरण शून्य नहीं होगा। मान लिया कि यहाँ पास गति कुछ है 10 मीटर पर सेकेंड, आगे चल के मान लिया गति हो गई 15, तो यहाँ पास त्वरण जो होगा वो क्या होगा, असमान, यहाँ पास त्वरण शून्य नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पास चेक कर सकते हैं हम लोग, अंतिम वेग क्या होगा भाई, 15, माइनस का शुरुआत का वेग, प्रारंभिक वेग कितना है, 10, तो ऊपर कितना बचा, 5, 5 बटे 10 कितना हो गया, 1 बटे 2। यानी कुछ ना कुछ तो त्वरण आएगा ही। यानी देखो, यदि वेग में परिवर्तन है तो गति में क्या हो, गति क्या कहलाती है, त्वरित गति, त्वरित गति कहलाती है। यानी कि या तो गति क्या है, वेग क्या है, या गति बढ़ गई है या तो कम हो गई है। देखो जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है, त्वरण दो तरीके से हो सकता है। जैसे हम लोग देखो गति पढ़े थे, वेग पढ़े हैं, वेग, वेग हमारा कैसा होता है, वेग के पास क्या होती है, दिशा। ठीक है, जबकि चाल के पास क्या होती है, दिशा नहीं होती है, ये नहीं होती है दिशा। ठीक है, इसी तरह त्वरण भी होता है, त्वरण भी क्या होता है, त्वरण में भी दिशा होती है। जो वेग होता है, वेग हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह हमारा त्वरण भी क्या है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। तो कुछ धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण क्या है, यदि त्वरण क्या हो, वेग की दिशा में हो। यानी कि हम समझते हैं एग्जाम्पल से, यानी कोई गाड़ी, कोई बॉडी है, वो क्या है, इधर कोई स्पीड से मूव कर रही है। अगर इसी में क्या किया, त्वरण भी लगा दिया इसी डायरेक्शन में, यानी वी हमारा इधर है और त्वरण भी क्या है, हमारा इधर ही है, सेम डायरेक्शन में। यदि त्वरण और वेग की दिशा में हो, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो, त्वरण क्या है, वेग की दिशा में है, तो यहाँ पास त्वरण क्या है, धनात्मक है। और यहाँ पास क्या होगी, जो चाल होगी या वेग क्या होगा, वेग जो होगा बढ़ जाएगा।
जब त्वरण और वेग की दिशा क्या होगी, सेम हो जाएगी, तो स्पीड क्या है या चाल क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर मानिए त्वरण ऋणात्मक है, देखो जैसे अब की क्या कह रहा है कि बॉडी क्या है वी से इधर जा रही है, लेकिन हमारा जो त्वरण है वो क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। जिस दिशा में बॉडी जा रही है उसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, त्वरण। तो यहाँ पास जो ये त्वरण होगा ये क्या करेगा, चाल को या वेग को क्या करेगा, कम कर देगा, कम कर देगा, वेग को कम कर देगा। ठीक है, तो ये त्वरण क्या होगा, निगेटिव, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अगर वेग की दिशा में त्वरण लगेगा तो वेग बढ़ जाएगा, और वेग के विपरीत दिशा में लगेगा तो वेग क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि गाड़ी जो है रुक जाएगी, अगर उल्टे उल्टी डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ एक क्या कह रहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी बस की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज जानो, ये जो चाल दी हुई है क्या, किसमें दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो हम लोगों ने एक चीज़ अच्छे से सीखा है कि हम लोगों को जो चाल होती है वो SI यूनिट में रखना होता है। SI यूनिट हमारी क्या होती है चाल की, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पास जो चाल दी हुई है, बस की चाल दी हुई है, वो किसमें दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो हम लोग चेंज करते हैं कैसे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। देखो साइड में देखते हैं हम लोग इसको, किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे चेंज किया जाएगा। अच्छा एक बताना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये सबको पता है भाई, 1000 मीटर होता है। बट 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सबको पता होना चाहिए, कितने, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड। तो ये देखो हमारा क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड बन गया है। यानी अगर हम लोग 80 में इससे गुणा कर दें, तो इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इसको 2 से काटो, 5 यहाँ 18, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। जैसे यहाँ पास क्या दी हुई, बस की गति कितनी दी हुई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, 80 × 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी एक चीज़ यहाँ पास सीधा सीधा एक फंडा तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भाई, और यही जस्ट अपोजिट करना हो भाई। मान लिया तुमको मीटर प्रति सेकंड में दे दिया है, और हमको कहाँ चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन आराम से लग जाएगा तुम लोगों का, नोट कर लो इसको। देखो कह रहा, एक बस की गति क्या था, बस यहाँ जब है, यहाँ पास शुरुआत में बस है, तो यहाँ इसकी स्पीड कितना है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले से ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग काट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9 आया, 200 बटे मान लिया, यहाँ पास आ गया 9। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ही रहने दो, हम लोग जो ये टाइम है 5 सेकंड है, हम लोग इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं।
क्वेश्चन, नहीं तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बाकी ये चीज़ जो है, ये चीज़ समझ लेना है तुम लोग को, ठीक है? ये बहुत काम की चीज़ है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लिया यहाँ पास अभी क्या है इसकी स्पीड, 80 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ दूर जाती है, तो फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है भाई यहाँ पास, जब यहाँ पास पहुँचती है तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग ये देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, V, क्योंकि ये हमारा क्या है, फाइनल यानी अंतिम वेग है, ठीक है? अंतिम स्पीड है या अंतिम गति है। और ये क्या होगा हमारा, यू होगा, यू बराबर कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या पढ़ें, ए बराबर V - U/T। V हमारा कितना है, 60 - U कितना है हमारा, 80/T। T क्या करें भाई, यहाँ पर सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो T को भी क्या करें हम लोग, घंटे में रख लेते हैं, है ना? तो 5 सेकंड में कितना घंटा होगा, जब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सॉरी 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है, तो 1 सेकंड में कितना, 1 घंटा/3600, तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/3600/5 काट लेते हैं, तो इसको 5×6=30, 1/620 आएगा, ठीक है? इतना घंटा लगेगा टाइम। तो क्या करते हैं, 60 - 80 यानी कि हमारा टाइम कितना हो गया, -20 किलोमीटर पर आवर बटे यहाँ पास क्या है, 1/620 के ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जो हमारा त्वरण होगा वो कैसा आ रहा है, निगेटिव, यानी कैसा लगेगा त्वरण इस डायरेक्शन में, अगर मोशन हो रहा है तो हमारा त्वरण कैसे लगेगा, जस्ट अपोजिट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? वहाँ पास सब लोग एक बार ट्राई करना उसका टाइम सही करके, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो भाई क्या है, एक रेलगाड़ी यहाँ क्या है, मान लिया रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी क्या है, ये स्टेशन पे रुकी हुई है, अभी स्टेशन पे रुकी हुई है। अब यहाँ से क्या हुआ, चलना प्रारंभ की है। जब कोई चीज़ तुमको दे कि चलना प्रारंभ किया है या स्टार्ट बोल दे, तो वहाँ पास हमारा यू क्या होता है, 0, प्रारंभिक वेग हमारा होता है 0। और क्या होता है, चलते 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 10 मिनट बाद जब यहाँ पास पहुँचती है ट्रेन, जब यहाँ पहुँचती है ट्रेन 10 मिनट बाद, ठीक है, तब इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पास इसका त्वरण बताना है, त्वरण बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं भाई, V - U/T। V कितना है हमारा, 40 - U कितना है, 0। व्हाट इज टाइम, अब टाइम देखो यहाँ पास घंटे में रखना होगा, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो ना, तो टाइम को भी क्या है, घंटे में रखना पड़ेगा। तो टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई, 10/60, ये क्या होगा, घंटा, यानी 1/6 घंटा, यानी इस क्या बचेगा, 40/1/6, ये 6 ऊपर जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, त्वरण, ठीक है? तो बस
यहीं तक, बाकी इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है? बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? धन्यवाद।